बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों ने जो सीएसएस पेपर्स का सिलसिला शुरू किया हुआ है, आज उसी सिलसिले में पार्ट 6 अपलोड कर लेते हैं। इससे पहले जितने भी पार्ट्स हो चुके हैं उन तमाम के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। तो शुरू करते हैं आज का पेपर 2010 इस्लामियात का पेपर है हमारे पास, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1, बथा वैली इज सिचुएटेड इन, वादी बथा मक्का में है दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है इसमें। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ द होली कुरान इज सूरे अल बकरा, जिसमें 286 आयात हैं, 40 रुको हैं और 2.5 पारे पर मुश्तमिल है, और कुरान शरीफ का दूसरा सूरा है तरतीब मौजूदा तरतीब के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 3, अल मईन इट इज अ सूरा इन विच देयर आर 100 और मोर आयात्स, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, अरबाइन से क्या मुराद है, अरबाइन अहादीस की वो किताब जिसमें 40 अहादीस हैं, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 5 देखें, पत्र काजी खान इट इज एन अटेंटिकेटेड फतवा ऑफ, ये किसका फतवा है दोस्तों, इसमें नहीं ऑप्शन देखें आखिरी, ऑप्शन डी पी कई खान भी आई, ऑप्शन डी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 6 देखें, फिदक गार्डन वॉज बिस्टाउड टू द होली प्रॉफिट सलम एस पे, ऑप्शन एस में करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 7 देखे, कुबा मस्जिद का जिक्र कुरान शरीफ में किस सूरह में है, सूरह तौबा में है, सूरह तौबा आया नंबर 108, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखे दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन, द टाइटल ये लफ्ज टाइटल है, द टाइटल गिवन टू द पाइनियर्स ऑफ इस्लाम वाज असाबिकून अल अव्वलून, ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, द मीनिंग ऑफ या सुबह, इसके मानी क्या है, ओ मॉर्निंग डेंजर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द मास्टर ऑफ ये लफ्ज आप है, आप हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ड्यूरिंग एम्ब्रेसिंग इस्लाम वाज, उसका था दोस्तों देखे उमैया बिन खल, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, सी सॉरी। और क्वेश्चन नंबर 11 देखे, 11 नंबर क्वेश्चन, स्प्लिटिंग ऑफ द मून अकड इन शक्ल कमर, जिसको कहते हैं ये मीना मक्का और फिर मीना में है, ऑप्शन बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 13 देखें, 12 नंबर सॉरी, द इपक का वाकया कुरान के किस सूरा में मौजूद है, सूरह नूर में है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 13 देखें, 13 नंबर क्वेश्चन, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेम कंप्राइजेज ऑफ दीज वर्ड, अल्लाह रसूल मोहम्मद, वर्टिकली, ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द हेड्स ऑफ जकात आर, मसारिफ जकात 8 है और इसका जिक्र सूरह तौबा में है, सूरह तौबा। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, माउजतेन आखिरी दो, कुरान शरीफ की आखिरी दो सूरतें जो हैं उसको माउजतेन कहते हैं। तो देखें दोस्तों, टू स्पेसिफिक सूरा ऑफ कुरान,
बी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 16 देखें, हुज़ा, हुज़ा ही कुरैश के एक बुत का नाम था। स्पेसिफिक गॉड इज ऑफ कुरैश, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 17 देखें, लियान ये क्या है, अ क्लासिक अ क्लॉज ऑफ इस्लामिक लॉ है, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 18 को देखें, 18 नंबर क्वेश्चन, अस्हाबी सबत, अस्हाबी सबत से मराद यहूदी है, और ये उस उनके एक वाक्य की तरफ इशारा है। और क्वेश्चन नंबर 19 देखें, द नंबर ऑफ फेमस मंथ्स, चार मुकद्दस महीने हैं, वो एक उसमें एक मुहर्रम, रजब, ज़िलक़ादा और ज़िलहज। और आखिरी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, जबल नूर इज सिचुएटेड इन मक्का, ये मक्का में है, अरफात, ग़ार हिरा, और तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नन ऑफ दीस। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, पसंद आने की सूरत में प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।